द हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों की संघर्ष समिति द्वारा बैंक प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन रजत बाली के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें रजत बाली और शमनेंद्र शर्मा ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा हिंदू कोऑपरेटिव बैंक पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। इसके बावजूद भी बैंक प्रबंधन ने खाताधारकों से अपील की गई थी कि खाताधारक एकदम से पैसे ना निकालें, हर महीने लाख रुपया निकाल सकते हैं, जिसके लिए खाताधारकों ने सहयोग भी दिया, लेकिन 3 महीने यह क्रम चला, दोबारा सब कुछ ठहर गया। नतीजा यह है कि लोगों को अपने पैसों को ही लेने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी परेशानी ने एक बार फिर से उन्हें धरना देने के लिए विवश कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह धरना अनिश्चित काल के लिए होगा, जब तक कि उनकी दिक्कत खत्म नहीं होगी। ठीक है, ये प्रशासन अखा मीट के बैठा, अन्य हो इधर बिल्कुल नहीं। पिछे भी असी 2 साल असी रगड़े खाधे सारे ने, ते किसी बुरी हालत में सानू पैसा सारा 3 लाख रुपया एक अकाउंट च मिले है। हूँ उन्होंने फिर बंद करते, कहड़ी गल तो बंद कर, जो RBI ने खोलते, ये कौन होंगे बंद करने वाले? ना सरकार कोई साथ दी, ना कोई MLA साथ देता, ना कोई शहर वासी है। असी धक्के खा के रहे, साड़ी जिंदगी बर्बाद है। अगर साडा नहीं फैसला करना, असी इस थोड़े दिनों बाद असी भूखड़ दा, फिर असी मन वरते बैठ जावांगे। अस सर को होर कुछ नहीं कर सकते। 1 जून 2022 तो हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के जिन्हें भी खाताधार है, उन्होंने हार के इस प्रशासन तो त्रस्त हो गए। एक बार फिर धरना प्रदर्शन के राह से अपना काम शुरू किया है। मैं एक मिनट से थोड़ी बैकग्राउंड दसना चाहता कि 24 मार्च 2019 बैंक बंद हो गया सी, जो कि RBI दी रिस्ट्रिक्शन लगिया सी। एक साल तक पठानकोट का ना कोई राजनेता, ना कोई समाजिक कार्यकर्ता, ना किसी ने कोई गलबात इस बैंक के बारे कोई सुध नहीं ली। तो 18 जून 2020 कोविड के दौरान रजत बाली और कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर जेडे इस बैंक जिन्हों के खाते से उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया। बहुत धरना, जबरदस्त धरना प्रदर्शन रहा, ना धुप्प की परवाह की, ना बारिश की परवाह की, पर सर्दियों के भी रहा, और उसका नतीजा आया होया कि प्रशासन को झुकना पड़ा। RBI ने इस तो 25 अक्टूबर 2021 ए तो सारिया रिस्ट्रिक्शन चुक लिया। बड़ी हैरानी की गल है कि अज बैंक के उत्ते किसी तरह की कोई बंदिश नहीं, ना RBI की, ना पंजाब सरकार की, ना किसी होर संस्था की। लेकिन उसके बावजूद ही उस वेले के बैंक प्रशासन ने, उस वेले के DC साहब जोड़े चेयरमैन से, उन्होंने खाताधारकों को रिक्वेस्ट की कि सानू सहयोग दो, पैसे थोड़े थोड़े करके वापस लो, ताकि बैंक एकदम बंद ना होए। शुरुआती दौर पर उन्होंने 1 लाख रुपया देने का वादा किया, लेकिन नहीं दिता। 2 महीने बाद फिर 1 लाख रुपया दिता, 3 हूँ तक पर खाताधार सिर्फ 3 लाख रुपया मिले। लोगों के करोड़ों रुपये भी है, लखा रुपये भी ने इतने। अज असी फिर एक बार प्रशासन दसना चाहते हैं कि यह पठानकोट के नागरिक जेडे इस बैंक के खाताधारक है, वो पीस लविंग सिटीजन ने, वो किसी गलत पासे नहीं चलते। कोई भी किसी तरह का भी एक्शन लै सकते हैं, बैंक के इंपलाइज के खिलाफ भी लै सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। यह सोच के कि शहर का बैंक है, असी भी शहरी हाँ, इंपलाय भी शहरी है, सारा कुछ चलना चाहिए। लेकिन अज रजत बाली और ने फिर तो यह धरना प्रदर्शन शुरू किया है, इस करके किया कि जेकर हुण पैसे ना दिते गए तो बहुत जल्दी ही यह धरना प्रदर्शन भुख हड़ताल च, उस तो बाद बहुत ही जल्दी मरण वर्च हो जाएगा, क्योंकि बैंक के उत्ते कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जिनी भी जिम्मेवारी है सारी बैंक प्रशासन की है। एक गल मैं होर सारे खाताधारा वालों कहना चाहना कि अज की डेट तक असी बैंक के नाल सी, सहयोग सी, लेकिन अज की डेट तो बाद किसी के अकाउंट में RBI करके या पंजाब सरकार की किसी पॉलिसी करके एक पैसे का भी नुकसान होंदा तो वह बैंक प्रशासन जिम्मेवार। कारण देखो जी, जिहड़े लोगों के पैसे बैंक के फसे थे, सारे तो पैसे निकले नहीं है। 3-3 किश्तां मिली पर अकाउंट 3-3 लाख रुपया लोगों को मिले है। हुण तुहाडे सामने उही जनता जिहड़ी पहलां धरनिआं 'च बहिंदी सी, उही साडे नाल मुड़ के खड़ी हुई है, क्योंकि सारिआं दे पूरे पैसे वापस नहीं मिले है। हालांकि जिदा अंकल उन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं हैगी, RBI वालों कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सरकार वालों कोई नहीं, तो इन्हों नूं की हक बनता साढ़े पैसे रोकन का है? ठीक है ना, बैंक जिहड़ा हुंदा आ, बैंक एक इहो जी इंस्टीट्यूशन है जिहड़ी ट्रस्ट के बिहाव से चलनी है। सानू बैंक के ट्रस्ट ही कोई नहीं है, इन्हों नूं पता नहीं कदों बंद कर देना, कदों मुड़ के चालू कर लेना है। सानू जद तक साढ़े पैसे नहीं मिलते, असी धरनिआं दे रहना आ। कल्ली कल्ली पाई पाई अं तुहानूं पहले दिन तो कहिंदे आ रहे हैं, जदों पहलां भी धरना स्टार्ट होया
जब तक सारे जनता के पैसे नहीं मिलते असी धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। उदा ही हूँ असी मुड़ के चालू किया है, पैसे आएंगे तो अं धरना चुक चुकना नहीं तो नहीं चुकना। टाइमिंग सर सवेरे 10 बजे तो ही स्टार्ट, 12-1 बजे तक अं धरना लाना है, हर रोज़ लगेगा, बिन नागा लगेगा, सिर्फ ऐतवार को ही बंद करिएगा क्योंकि उस दिन बैंक बंद होता है। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।